1958 में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है, जिसका मून वॉक हर किसी के दिल में छा जाता है। उसको किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, जिनकी फोटो आपने जरूर देखी होगी, भले आपने उनका डांस ना देखा हो या उनके कोई एल्बम जो है ना देखी हो, उनके कोई गाने ना सुने हो, वो एक अलग की बात है, लेकिन माइकल जैक्सन की फोटो आपने जरूर देखी होगी। माइकल जैक्सन को भगवान की तरह पूजा जाता था इंडस्ट्री में। इंडिया में भी माइकल जैक्सन का बड़ा बोलबाला था। प्रभु देवा माइकल जैक्सन से मिले भी हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर आपको वो सुननी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ माइकल जैक्सन की, किस तरीके से माइकल जैक्सन की जो लाइफ थी वो पर्दे के सामने तो बड़ी चमचमाती हुई दिखती थी, लेकिन पर्दे के पीछे माइकल जैक्सन की जिंदगी बिल्कुल अकेली और दुखी थी। हालांकि माइकल जैक्सन ने दो शादी की थी, उनके बच्चे भी थे, लेकिन उसके बाद भी माइकल जैक्सन पूरी तरह से अकेले थे। माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था 1958 में, यूनाइटेड स्टेट में उनका जो है जन्म हुआ था। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था, 7 भाई बहन थे और माता पिता, यानी 9 लोगों का परिवार था। वो छोटे से 2 कमरे का घर था, उसमें रहते थे। कहा जाता है कि उस वक्त परिवार की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनके जो पिताजी थे, जो जिनको जो जैक्सन भी कहा जाता है, उनके जो फादर थे, उनको म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जो जैक्सन चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक में आगे बढ़ें और कुछ करें। सभी भाई बहनों में माइकल जैक्सन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे। 5 साल की उम्र से ही माइकल जैक्सन ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था, और उनके पिताजी को, जो जैक्सन को भी पता चल गया था कि माइकल जैक्सन ही सभी भाई बहनों में से सबसे ज़्यादा काबिल हैं, जो आगे चलकर कुछ कर सकते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है माइकल जैक्सन छोटे मोटे परफॉर्मेंस करते रहे, परिवार के पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे परिवार के पास पैसे आने शुरू हुए तो परिवार लॉस एंजल्स में जो है शिफ्ट हो गया, वहाँ रहने लगा। माइकल जैक्सन को कामयाबी मिलना शुरू हो गई। महज 5 साल की उम्र से ही माइकल जैक्सन का करियर पूरा प्रोफेशनल वे में हो गया था, प्रोफेशनलिज्म की तरफ वो बढ़ गए थे। और माइकल जैक्सन खुद अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं कि बचपना उनका छिन गया था। वो लाइव परफॉर्मेंस करते थे, कई एडवर्टीजमेंट करते थे, उसका रिहर्सल करना पड़ता था, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता था। तो जब वो अपने स्टूडियो से बाहर निकलते थे या बाहर अपनी उम्र के बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देखते थे, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ देखते थे, तो उनको काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि उनका बचपन उन्हें ऐसा लगता था उनके पिता ने छीन लिया है। अच्छा, उनके पिता जो थे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट बताए जाते थे कि अगर माइकल जैक्सन खुद बताते हैं कि अगर कभी वो परफॉर्म नहीं करते थे या उनकी परफॉर्मेंस में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती थी तो उनके पिता उनको पीटते थे, उनको भली बुरी बातें बोलते थे, और साथ ही उनके पिता जो है माइकल जैक्सन की नाक का मजाक भी उड़ाते थे। एक बच्चे का मजाक अगर दुनिया उड़ाए तो एक बार को कोई बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन जब आपके ही माता पिता आपके जो है नाक का, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाने लगे तो अपने ही घर में इंसान का दम घुटने लगता है। कुछ वैसा ही माइकल जैक्सन के साथ भी होने लगा। अब वक्त आया 1975 का, जब माइकल जैक्सन ने फैसला किया कि अब वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो जो है खुद कमा सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, तो उन्होंने फिर परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया। माइकल जैक्सन जहाँ रहते थे वहाँ पर तो उनका काफ़ी नाम था, लॉस एंजल्स में हर कोई उनको जानता था, यूएस में उनका नाम था, लेकिन माइकल जैक्सन अभी सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। उनको लगता था कि अभी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अभी माइकल जैक्सन एक नाम तो हो गए हैं, लेकिन वो इतना भी बड़ा नाम नहीं हो गए हैं कि दुनिया के हर कोने में माइकल जैक्सन को जाना जाए। माइकल जैक्सन ने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू की, उनका मून वॉक आया जो खूब सुर्खियों में छाया। उसके बाद वो भगवान की तरह पूजे जाने लगे। उनकी एक एल्बम आई थ्रिलर करके, जिसने कहर मचा दिया। माइकल जैक्सन के पास उसके बाद शोहरत की, दौलत की कोई कमी नहीं थी। माइकल जैक्सन तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे। परिवार उनके साथ नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब माइकल जैक्सन के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगने लगे।
एक 13 साल की बच्ची के साथ जो है रेप करने का एलिगेशन उन पर लगा। अब मामला पहुंचा वहां की जो है सिविल कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट होता है वहां पर और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो सिविल कोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो मामला होता है उसमें वो पैसे देकर सॉल्व किया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद आप आरोपी हैं या कि आरोपी नहीं है ये सिद्ध किया जाता है। तो मामला सिविल कोर्ट में पहुंचा, माइकल जैक्सन चाहते थे कि मामला क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंचे। माइकल जैक्सन को जैसे कि बताया जाता है कि माइकल जैक्सन इसमें आरोपी नहीं थे, तो वो चाहते थे कि क्रिमिनल कोर्ट तक मामला जाए ताकि उनकी जो छवि इस वक्त खराब हो रही है वो कहीं ना कहीं सही हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसने आरोप लगाया था उन पर उसको पैसे चाहिए थे, वो क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाता है, मामला सिविल कोर्ट में ही सॉर्ट आउट होता है और वो मामला वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन माइकल जैक्सन की निजी ज़िंदगी में इसका बड़ा असर पड़ता है। अब आप ही सोचिए किसी लड़के के लिए ये कितना बड़ा एलिगेशन होगा और समाज में वो इंसान कैसे निकलेगा। और फिर जब आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, आपको हर तरफ जो है आपको लैमलाइट में रहना है, हर तरफ मीडिया है, आपको हर कोई जानता है, और उस वक्त आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन लग जाए कि आपने किसी बच्ची का रेप किया है, आप बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, तो इंसान अंदर से ही इतना घबरा जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है। तो इन्हीं सब डिप्रेशन से निकलने के लिए और दुनिया समाज जो उनको गलत नज़रों से देखने लगा था उससे बचने के लिए माइकल जैक्सन पहली शादी कर लेते हैं। बताया जाता है कि माइकल जैक्सन जिससे शादी करते हैं वो जो है यूएस के बहुत बड़े सिंगर की बेटी होती है, एलिसा प्रिस्ले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उनका यही नाम है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं। एलिसा प्रिस्ले ही है जो है उनकी पहली पत्नी होती हैं, जिससे जो है उनका उनकी शादी होती है। लेकिन ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, साल भीतर ही ये शादी टूट जाती है। अब माइकल जैक्सन का फिर से कैरेक्टर एसेसिनेशन होने लगता है, लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है माइकल जैक्सन के अंदर। थोड़ा वक्त सब कुछ सही चलता है लेकिन फिर से माइकल जैक्सन के ऊपर यही एलिगेशन लग जाता है कि बच्चे उनको पसंद नहीं है और उन्होंने फिर से एक बच्ची का रेप किया है। माइकल जैक्सन की ज़िंदगी वहीं से मानिए पूरी तरह से जो है ख़त्म होने की ओर बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती है लेकिन उसकी ओर जो है वो माइकल जैक्सन की ज़िंदगी चल पड़ती है। फिर से माइकल जैक्सन जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, उससे उनको जो है 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो शादी भी नहीं टिक पाती है। हालांकि बच्चे माइकल जैक्सन के साथ ही रह जाते हैं लेकिन वो शादी भी माइकल जैक्सन की नहीं टिकती है। माइकल जैक्सन पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं, दुनिया उनको जो है किंग ऑफ पॉप बुलाती है, मून वॉक, ये सारी चीज़ें इतनी फेमस हुई होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी निजी ज़िंदगी में माइकल जैक्सन पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। बाहर से तो दुनिया बहुत चमचमाती हुई दिखती है, वही चीज़ एक यहाँ पर मुझे बात याद आती है कि दूर के ढोल जो है वो सुहावने लगते हैं लेकिन असलियत क्या है वो हमको खुद ही पता चलती है। तो ऐसा ही कुछ माइकल जैक्सन के साथ भी होता है। जब दूसरा ये रेप वाला केस आता है तो उसके बाद से तो माइकल जैक्सन पूरी तरह से टूट जाते हैं। माइकल जैक्सन उसके बाद जो है एक प्लान बनाते हैं कि वो वर्ल्ड टूर करेंगे, वो सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस करेंगे और उसके बाद एक वो जो वर्ल्ड टूर करेंगे 2009 में लाइव परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद वो कभी भी कोई भी लाइव परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो ये उनका लास्ट वर्ल्ड टूर होता है, लास्ट लाइव परफॉर्मेंस होने वाला होता है, जिसके लिए दुनिया भर में हर कोई बहुत एक्साइटेड होता है। वक्त आता है 2009 का, वर्ल्ड टूर उनका शुरू होता है और उस वक्त जो है माइकल जैक्सन की थोड़ी थोड़ी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि माइकल जैक्सन जो है, जैसे कि आपने अगर उनकी पहले की कभी तस्वीरें देखी हो तो आपको पता होगा कि माइकल जैक्सन का जो स्किन कलर है वो बहुत ही डस्की हुआ करता था, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के नहीं थे, उनकी नाक भी जो है वो अजीब सी हुआ करती थी। तो जिसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि उनके फादर जो है वो जो जैक्सन वो खुद ही जो है उनको टॉन्ट मारा करते थे, उनके लिए उल्टी सीधी बातें बोला करते थे। तो इन सब चीज़ों को ठीक कराने के लिए माइकल जैक्सन जो है वो प्लास्टिक सर्जरी और जो है कई तरीके की सर्जरीज करवाने लगे। अच्छा, आजकल माना कि प्लास्टिक सर्जरी थोड़ा कॉमन हो गया है लेकिन उन दिनों प्लास्टिक सर्जरी का नाम ही बहुत हुआ करता था। तो माइकल जैक्सन पर जो है ऐसे
कई लोगों ने माइकल जैक्सन का विरोध भी किया था जब उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और अपना जो है रंग गोरा करवाया था, तो लोगों को कहना था कि माइकल जैक्सन अपनी कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग जिस कम्युनिटी से करते हैं वो उसको खुद ही नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए वो गोरा होना चाहते हैं। तो ये सारी सर्जरीज जो है माइकल जैक्सन ने करवाई थी। अच्छा, वक्त आगे बढ़ता गया और ये सर्जरीज का अब उल्टा असर होना शुरू हो गया। ये सर्जरीज इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि माइकल जैक्सन को बर्दाश्त ही नहीं होती थी। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे जो है ये सर्जरीज इतनी ज़्यादा पेनफुल हो गई कि माइकल जैक्सन हैवी पेनकिलर्स खाने लगे। और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो कुछ भी उनके पास्ट में हुआ था उसको लेकर वो डिप्रेस रहते थे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी मौत हो जाए या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। वो अपनी जीवन को लेकर इतना ज़्यादा जो है इनसिक्योर फील करते थे, इसलिए उन्होंने जो है 12-13 डॉक्टर की टीम रखी थी। और ये सारे जो डॉक्टर्स थे ये हाईली एजुकेटेड थे, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर थे। तो माइकल जैक्सन जीना चाहते थे, लेकिन जो पेन किलर्स उनको डॉक्टर दिया करते थे तो वो काफ़ी हैवी डोज हो गई थी उनके लिए। अब माइकल जैक्सन जैसे कि अकेले रहते थे, बिल्कुल किसी से ना बात करना ना कुछ, सिर्फ जो है वो अपने गानों की तरफ ही ध्यान देते थे। उनको लाइव परफॉर्मेंस करना था, पैसा कमाना था, क्योंकि कहा जाता है एक वक्त ऐसा भी आया था उनकी ज़िंदगी में जब वो बैंक करप्ट होने के कगार पर आ गए थे। उनके पास पैसा नहीं था, कर्जा बहुत बढ़ गया था, तो उसको भी निपटाने के लिए एक वर्ल्ड टूर वाला आइडिया उन्होंने निकाला था। ये सारी चीज़ें चलती गई और फिर 2009 का जो है वक्त आया और माइकल जैक्सन ने जो है इतना ज़्यादा दर्द झेला, उनके डॉक्टर ने उनको और हैवी डोज देना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि उन डोज के चलते माइकल जैक्सन को जो है कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गए। भाई माइकल जैक्सन, 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन का निधन हुआ। इतने बड़े सुपरस्टार का निधन होना, किंग ऑफ पॉप का निधन होना, हर कोई इसको हजम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो उस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो 50 साल के लगभग उम्र के थे वो, और उनका निधन हो गया था। तो भाई उनका डबल पोस्टमार्टम किया गया, उसमें निकला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों से दवाइयां ले रखी थी, अन्न का एक दाना भी उनके पोस्टमार्टम में नहीं निकला। इसकी सारी गलती डॉक्टर को दी गई। डॉक्टर जो उनकी जो टीम थी उसमें जो एक सबसे सीनियर डॉक्टर थे उनकी ये गलती दी गई उनको। हालांकि बाद में कोर्ट से जेल वगैरह भी हुई थी, उनको भी काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा कि उन्हीं की गलती की वजह से माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन माइकल जैक्सन अपना ज़िंदगी को और लंबा करना चाहते थे, वो और लंबी ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो माइकल जैक्सन को लेकर जितनी भी कहानियां हम आपके लिए इकट्ठा कर पाए, हम लेकर आए, आप बताइएगा कि आपको माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से जुड़े ये किस्से कैसे लगे। हम ऐसी और भी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे सत्योदय मीडिया पर, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।